कितना अच्छा हुआ है आप लोगों को एक काट के दिखाओ। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मस्त हुआ है। माय ब्लॉग, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली हूँ। सबसे पहले आलू मैंने काट के धो के फ्रेश करके डाल दिया कुकर में, 3-4 सीटी आने देते हैं। तो आलू इधर बॉईल हो गया, आलू को निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक मैं आलू का मसाला रेडी कर लूँगी। मसाले के लिए मैंने इधर लिया 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और 2-3 लहसुन का दाने और धनिया पत्ती थोड़ा सा। ये थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे आलू का मसाले के लिए। तो मसाला मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया। अभी कढ़ाई में तेल डाल देंगे आलू के मसाले के लिए। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जब तक गर्म होगा इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई, काली वाली सरसों भी बोल सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, ये भी ऑप्शन है, आपको चाहिए पसंद है तो डालिए। इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी जीरा, इसको अच्छे से लाल होकर चटकने देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता डालेंगे तो तेल ऊपर आएगा, तो मैं कड़ी पत्ता डाल के ढक दूंगी। कड़ी पत्ता हो गया, अभी निकाल लेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, एकदम थोड़ा सा, जस्ट हल्का सा लाइट कलर आ जाए वही सब से। इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच 1 चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर। मसाले में मैंने 2 हरी मिर्ची पीसा है तो इसमें मैं थोड़ी सी मिर्ची पाउडर यूज कर रही हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। अभी हमने जो मसाला पीसा है दरदरा सा कूट के रखा, ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भाज लेंगे अच्छे से। हमारे आलू का मसाला एकदम इस तरह से बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो हमने आलू बॉईल कर लिया था वो निकाल लेंगे। इसको पहले प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट में जब ही निकालेंगे इसको तभी हाथ से थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेंगे। आलू मैंने इस तरह से तोड़ लिया क्योंकि थोड़ा गर्म है, तो मैं ग्लास से कर लिया। अभी जो मसाला किया मैंने वो आलू डाल देंगे। मसाले के साथ आलू अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी चाट मसाला। आलू में ना एक खट्टा मस्त फ्लेवर फुल आएगा। अच्छे से मिक्स करके इसको 1 मिनट के लिए होने देंगे कि मसाला फ्लेवर आलू के साथ अच्छे से आ जाए। आलू बॉईल किया था, नमक नहीं डाला, अभी इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक को मिक्स करके अच्छे से इसको होने देंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम पकाने की ज़रूरत नहीं है, मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है। 1 मिनट इसको होने देंगे। तो आलू अच्छे से मसाला मिक्स हो गया, एकदम अच्छे से हो गया। गैस को ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये जब तक ठंडा होगा तब तक मैं एक पुदीना का चटनी वो बना लूँगी। जो मिक्सर में मैंने मसाला पीसा उसी में डाल दूँगी 2-3 लहसुन। इसमें डालेंगे बहुत सारा फ्रेश पुदीना। इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता, पुदीना का चटनी है तो पुदीना ही ज़्यादा डालेंगे, धनिया पत्ता कम डालेंगे। इसमें डाल देंगे नमक, इसमें डालेंगे थोड़ी सी चाट मसाला। पहले इसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। पुदीना मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया। इसमें डाल दूंगी मैं 2-3 चम्मच दही, पानी ऐड नहीं करूंगी मैं। इसको थोड़ा सा गाढ़ा और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए इसमें डालूंगी थोड़ी सी भुजिया, कौन सा भी भुजिया नमकीन वाला वो डालें। अब इसको पीस लेंगे। तो हमारा पुदीना का चटनी भी एकदम मस्त हो गया रेडी। बेसन का बेटर रेडी कर लेंगे। पहले इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, हल्दी डालने से ना थोड़ा कलर अच्छा आएगा देखने में। इसमें डालूंगी थोड़ी सी जीरा,
जीरा कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अजवाइन डालेंगे लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे अजवाइन, एक चम्मच भर के अजवाइन डाला। पकौड़ा में अजवाइन डालना ज़रूरी है डाइजेस्ट के लिए। इसमें धनिया जीरा पाउडर थोड़ा सा आधा चम्मच इतना, और इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं हल्का सा। इसमें डाल देंगे नमक, बेसन के क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। इसमें डाल दूंगे बेसन, आप जितना पकौड़ा बना रहे हो वही हिसाब से बेसन ऐड करें। इसको पानी डाल के एक पतला सा बैटर रेडी कर लें। बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, इसमें लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। तो बैटर एकदम अच्छे से रेडी हो गया, अभी ब्रेड को रेडी कर लेंगे। तो ब्रेड को पहले काट के निकाल लूँगी, इसका जो साइड का जो थोड़ा सा कड़क होता है ना किनारे के हिस्सा, वो काट के निकाल देंगे। मैं थोड़ा छोटा छोटा पीस करूंगी, वही हिसाब से काट। कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिया, अभी ब्रेड, हम आज ब्रेड चीज पकौड़ा बना रहे हैं, तो ब्रेड को पहले काट के रेडी कर लिया, अभी इसमें डाल देंगे हमने जो चटनी पीसा है पहले, वो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ब्रेड में, ज़्यादा नहीं हल्का सा। बहुत ज़्यादा डालेंगे ना तो एकदम सॉगी सॉगी हो जाएगा ब्रेड। ब्रेड में अपना ये चटनी डाल दिया, अभी इसमें आलू थोड़ा सा पतला सा लेयर जैसा बना देंगे, मतलब पूरा तरह चारों तरफ कवर हो जाए वही सब से। आप अगर चावल से कंफर्टेबल है आप चावल से कीजिए, हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से। अच्छे से आलू लगा दिया, अब इसमें चीज़ का स्लाइस डाल देंगे, दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस है। इसमें भी हल्का सा आलू डालेंगे, क्योंकि हल्का सा आलू डालेंगे ना तो ब्रेड जब काटेंगे ना वो सरकेगा नहीं, वो जगह पे स्टिक रहेगा। तो इस सब से मैंने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा आलू डाला है, अब इसमें फैला देंगे अच्छे से, एकदम बराबर हो जाए, फिर इसको पीस पीस करके काट लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके अभी इसको पीस करके काट लेंगे। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से पीस पीस कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे पतले पतले बना रही हूँ, वो हिसाब से कट कर रही हूँ मैं। अच्छे से स्लाइस हो गया, अगर थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाता है तो अब हाथ से थोड़ा सा इसको ठीक करें, क्योंकि अब जब पकौड़ा बनाएंगे ना इस तरह से कर लेंगे ना तो फिर एक लेवल का बनेगा वो। अच्छे से हो गया, तेल भी मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया। इधर जो हमारा बैटर रेडी है इसमें मैं ऊपर से डाल दूंगी थोड़ी सी हरा धनिया, जब वो फ्राई होगा ना ऊपर से देखने में अच्छा लगेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, एकदम थोड़ा सा। सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, अभी हाथ से कर लेंगे क्योंकि अभी ब्रेड को डुबोना रहेगा वही हिसाब से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ब्रेड भी रेडी हो गया, अभी पकौड़ा तलना रहेगा। बैटर एकदम रेडी है अच्छे से, तेल भी गर्म हो गया, अभी ब्रेड को इसमें डिप कर लेंगे। ब्रेड को अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लेंगे, अच्छे से तेल गर्म हो गया, अभी ब्रेड को डाल दें। Thank you.
ब्रेड पकौड़ा हो गया, चीज भी भर आ गई। तो पहला बैच मैंने निकाल लिया, दूसरा बैच भी मैं रेडी कर लिया, अभी इसमें डाल देंगे। पकौड़ा रेडी हो गया, अभी निकाल लूंगी, निकाल के प्लेट में डाल के सजा लेंगे। तो ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया, मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो सॉस। आप जो भी सॉस खाना पसंद करते हैं अपने हिसाब से डालें। अभी इसमें हमने जो ग्रीन चटनी बनाया वो डाल देंगे। अभी हमने जो ब्रेड पकौड़ा बनाया प्लेट में डाल देंगे। क्या मस्त, एकदम फुली फुली सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा चीज़ वाला ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी हो गया, तो खाने के लिए भी रेडी है। तो पकौड़ा हमारा कितना अच्छा हुआ है आप लोगों को एक काट के दिखाओ। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मस्त हुआ है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ।